दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में जान ही लिया है कि आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं काले गुंद के नुकसान के बारे में। हालांकि कुछ आयुर्वेदाचार्य या कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि काले गुंद के किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और जैसा कि हमारे गुरु आरोग्या पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट है तो बताएं। तो आज ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा काले गोंद को आपको कब नहीं इस्तेमाल करना। चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि काला गोंद या तो आपने इस्तेमाल किया है या आप करना चाहते हैं या आप ढूंढ रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो काले गोंद है क्या, काले गोंद को किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसका एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप उस वीडियो को जाने देखें, उसके बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं काले गोंद से होने वाले नुकसान के बारे में। आधुनिक चिकित्सा पद्धति अल्टरनेटिव मेडिसिन में अगर हम बात करें तो दोस्तों काले गोंद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दर्दों के पेन में। मैंने आपको किसी भी तरह का कोई पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, आपको हड्डियों से रिलेटेड दर्द होता है, आपको नसों का दर्द होता है, उसमें काला गोंद आपको हेल्प करता है ठीक करने में। अब बात आती है कि आपको कब इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले आपको अगर आपकी कोई मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन है, आप बहुत ज्यादा गंभीर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप इस काले गोंद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप कैंसर से पीड़ित हैं, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको मान लीजिए शुगर है और आप इंसुलिन ले रहे हैं या आप डायलिसिस पर हैं, तो आप काले गोंद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला है दोस्तों, अगर आप एक मदर हैं और आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान काले गोंद का इस्तेमाल नहीं करना आपको, क्योंकि कहा जाता है कि माँ जो भी खाती है उसके जिसका जो खाने के जो पोषक तत्व है वो माँ के दूध के जरिए बच्चे तक जाता है, तो आप काले गोंद का इस्तेमाल उस दौरान नहीं करेंगी जिस दौरान आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद करेंगी, उसके बाद में आप इस काले गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला है कि यदि आपको पीरियड्स की शिकायत रहती है, आपको जो मासिक धर्म सही तरीके से नहीं आता है या आपको किसी भी प्रकार की वो समस्या है, तो पहले आप उसका समाधान करेंगे, उसके बाद में काले गोंद का इस्तेमाल करेंगे। अगला है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस काले गोंद का इस्तेमाल नहीं करेंगी, और यदि आपको कोई भी सलाह देता है इस्तेमाल करने का तो आप अपने रिक्स पे कीजिए या अपने डॉक्टर या अपने आयुर्वेदाचार्य के सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ चार टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, वो चार सिचुएशन ऐसी हैं कि जिस पे आपको काले गोंद का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप काले गोंद के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जाए वहां पर देखें, काले गोंद की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। यदि आप काला गोंद खरीदना चाहते हैं तो हमारा गुरु आरोग्या का जो ऑफिशियल ब्रांड है वो है हिमानिया। हिमानिया में आप जाके Amazon, Flipkart और मीशो पर जाकर आप वहां से खरीद सकते हैं। इसकी मैं इमेज आपको दिखा सकता हूँ, कुछ इस तरह का आपको इमेज मिलेगी। ये बॉक्स है हमारा, ये पैकेजिंग है, और ये इसकी खासियत क्या है कि ये हम लैब सर्टिफाइड करके देते हैं आपको। इसके साथ साथ हमारे खुद के क्लिनिक, हमारे जो सेंटर्स हैं, हमारे कैंपिंग जहाँ जहाँ होती है, हम अपने खुद के पेशेंट पर भी इसको देते हैं, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हमने लिए हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचे। बेल आइकन को भी दबाकर जाएं, साथ में अपने परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि ये जानकारी सब तक जाए। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।